हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं द लॉयल पिन के चैप्टर 15 पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था प्रिंसेस ओंग और एनिला फिर बातें कर रहे थे और तभी वहां लेडी पिन आती है। अब आगे, जैसे ही लेडी पिन पैलेस में एंट्री करती है, लेडी पिन की वॉइस शांत हो गई। लेडी पिन को देखकर अचानक वे दोनों शांत हो गए, जिससे लेडी पिन कंफर्टेबल फील कर सके। लेडी पिन को ऐसा लगता है जैसे इस समय लिविंग रूम में उसकी एंट्री बहुत अजीब है। लेडी पिन को आश्चर्य होता है कि शायद मैंने उन दोनों की बातों में बाधा डाल दी। और लेडी पिन के लिए उससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह थी कि ब्यूटीफुल ओंग अपनी चाची यानी क्वीन एलिसा से मिलने के बजाय पाइन पैलेस में अकेले एनिला फिर से मिलने आई है। आखिर क्यों? क्वीन एलिसा तो उन्हें हमेशा पैम्पर्ड करती है। प्रिंसेस ओंग कहती है, हेलो लेडी पिन। एक पल स्टंट होने के बाद प्रिंसेस ओंग ने अपना मुंह ओपन किया और प्यारी स्माइल के साथ लेडी पिन का वेलकम किया। प्रिंसेस ओंग लेडी पिन को देखकर सरप्राइज थी, जैसे पाइन पैलेस अतिथि महल हो जिसमें वह कभी भी अंदर और बाहर आ जा सकती है किसी भी समय। और इससे भी ज्यादा प्रिंसेस ओंग सरप्राइज थी क्योंकि लेडी पिन ने स्ट्रेट एनिला फिथ को नाम से पुकारा था, जैसे वे दोनों बराबर स्टेटस के हों। तभी लेडी पिन कहती है, हेलो प्रिंसेस ओंग। लेडी पिन कामली प्रिंसेस ओंग से मिलती है और इसी के बीच लेडी पिन ने एनिला फिथ को सीरियस नजरों से देखा। लेडी पिन का लो कोल्ड रिएक्शन देखकर एनिला फिथ ने अपना सिर कंफ्यूजन से ऊपर किया, लेकिन एनिला फिथ ने लेडी पिन के सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। प्रिंसेस ओंग लेडी पिन से कहती है, मैंने एनिला फिथ का पैलेस नहीं देखा था, तो मुझे उसे देखने का मौका मिला तो मैं यहाँ आ गई। यह सुनकर लेडी पिन कहती है, यस प्रिंसेस। लेडी पिन केवल प्रिंसेस ओंग को इतना ही कहती है और कुछ नहीं कहती, लेकिन एनिला फिथ ये सब देखकर समझ जाती है और टी कप को नीचे टेबल पर रख देती है, जो टेबल फायर प्लेस के सामने लिविंग रूम के बीच है, और साइड में क्रीम कलर के सोफा पर बैठ जाती है। प्रिंसेस ओंग भी बिना कुछ कहे एनिला फिथ के एक साइड में सोफा पर जाकर बैठ जाती है। हालांकि लेडी पिन जो शांत खड़ी थी, वह भी थोड़ी देर बाद जाकर एनिला फिथ की दूसरी साइड पर बैठ जाती है, क्योंकि लेडी पिन रूड नहीं दिखना चाहती थी। तभी एनिला फिथ प्रिंसेस ओंग से कहती है, हमारे बीच टेनिस मैच खेलने का अपॉइंटमेंट था, अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो मैं नाराज हो जाऊंगी। ये एनिला फिथ सबको नॉर्मल होने के इरादे से कह रही थी। प्रिंसेस ओंग बस हूँ कहती है। प्रिंसेस ओंग लेडी पिन से भी कहती है, तुम्हें भी आना चाहिए और एनिला फिथ को फिर से पेड़ पर मत चढ़ने देना। प्रिंसेस ओंग की बात सुनकर लेडी पिन केवल ठंडे एक्सप्रेशन के साथ ओके कहती है, जिससे प्रिंसेस ओंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। हालांकि लेडी पिन वो पर्सन है जो लोगों से ज्यादा बात नहीं करती, फिर भी लोगों से विनम्रता से बात करती है। प्रिंसेस ओंग सोचती है, ग्रैंड प्रिंस एनिला फिथ के भाई की वेडिंग में तो हम मिले थे, लेकिन अब लेडी पिन क्यों इतना स्ट्रेंज बिहेव कर रही है। तभी प्रिंसेस ओंग कहती है, मुझे आंटी से मिलने जाना है क्योंकि मुझे आज उनके साथ योवराट स्ट्रीट जाना है। ये सुनकर एनिला फिथ कहती है, ओ तभी माँ ने मुझे अपने घर आने के लिए नहीं कहा। वह जानती थी कि वे उनकी भतीजी के साथ खेलने जाएंगी। ये कहकर एनिला फिथ मुस्कुराती है। ये सुनकर लेडी पिन बस अपने सिर को नीचे करके फायरप्लेस के सामने एक शिप की स्किन को देखती है। फाइनली प्रिंसेस ओंग लेडी पिन से स्वीट वॉइस और मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे जाना होगा, मैं तुमसे कल मिलूंगी लेडी पिन, और अपना हाथ हिलाती है। लेडी पिन भी धीरे से यस प्रिंसेस ओंग कहती है। तभी एनिला फिथ कहती है, मैं आपको कार तक छोड़ देती हूँ। वह खड़ी हुई और उनके पास गई। प्रिंसेस ओंग देखती है कि एनिला फिथ केवल उनके शोल्डर तक ही आती है, जिससे प्रिंसेस ओंग की हार्ट बीट तेज हो जाती है। तभी प्रिंसेस ओंग कहती है, नहीं अनिल, मैं चली जाऊंगी, कार पैलेस के डोर के सामने ही पार्क्ड है। प्रिंसेस ओंग एक स्माइल करती है और गुड बाय करते हुए लग्जरी कार में एंट्री करती है। एनिला फिथ अभी भी प्रिंसेस ओंग को जब तक देखती रही जब तक वह चली नहीं गई। उसे देखकर लेडी पिन कहती है, आप उसके साथ क्यों नहीं चले जाते, जाओ उसके साथ ही चाइना टाउन चले जाओ। ये कहते हुए लेडी पिन की आवाज लो लग रही थी, लेकिन उसकी आईब्रोज और ब्राउन आईज उससे भी ज्यादा लो थी। ये सुनकर एनिला फिथ कहती है, कौन चाइना टाउन जाना चाहता है, और आकर लेडी पिन के साइड में बैठ जाती है।
और उसके शोल्डर को प्रेस करती है, लेकिन लेडी विन अपने शोल्डर को फ्रोंट करती है। एनिला फिथ कहती है, मैं तो बस यहाँ लेडी विन के साथ रहना चाहती हूँ, मैं बाहर नहीं जाना चाहती और ना ही किसी के साथ खेलना चाहती हूँ। एनिला फिथ की आवाज़ ऐसी लग रही थी वह लेडी विन से रिक्वेस्ट कर रही थी, जैसे आई वॉन्ट टू टच योर लिप्स लेडी विन। इधर लेडी विन के एक्सप्रेशन और ज्यादा चेंज तब हो गए जब उसने टेबल पर टी पॉट को देखा, लेकिन लेडी विन ये खुद भी नहीं जानती कि वह इतनी अपसेट क्यों हो रही है। लेडी विन सोचती है, दोपहर तक प्रिक मेरे साथ थी तो क्या पाइन पैलेस में कोई सर्वेंट नहीं था? क्योंकि एनिला फिथ अपनी प्राइवेसी को लेकर काफी सीरियस है, तो एनिला फिथ ने ब्यूटीफुल ओम के लिए खुद चाय बनाई। ये सोचकर लेडी विन और भी बेचैन हो जाती है और वह और भी ज्यादा अपसेट हो जाती है। लेडी विन धीमी आवाज में कहती है, यह सही है। तभी अनिला फिथ लेडी विन से कहती है, चलो बाहर चलते हैं और फन करते हैं इससे पहले कि ये पैलेस गेस्ट से भर जाए। यह सुनकर लेडी विन अपनी आईब्रो ऊपर करती है और फायरप्लेस के सामने जाकर चुपचाप खड़ी हो जाती है। ये देखकर अनिला फिथ कहती है, मुझे गलत मत समझो लेडी विन। ये कहकर अनिला फिथ स्माइल करती है और फिर से कहती है, वो गेस्ट एकमात्र राजकुमारी ओम मेरी कजन है। जैसे ही लेडी विन ने इस वर्ड पर ध्यान दिया, उसका फेस एकदम से ग्लो हो गया और वह शांत हो गई। लेडी विन कहती है, कल यहाँ ज्यादा गेस्ट होंगे है ना, और धीरे धीरे अनिला फिथ के साइड में घूमती है। ऐसा नहीं था कि लेडी विन नहीं चाहती थी कि अनिला फिथ उस पर झुके, लेकिन जैसे ही लेडी विन अनिला फिथ के क्लोज जाती है तो उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। वह फील करती है मानो उसका हार्ट अभी बाहर आ जाएगा, लेकिन लेडी पिन ये भी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। एनिला फिथ लेडी पिन को प्रिंसेस एनन और प्रिंसेस ओंग के रिलेशन के बारे में बताती है, जिससे लेडी पिन थोड़ा वरिड हो जाती है। एनिला फिथ कहती है, ये सब ठीक हो जाएगा। तभी अचानक एनिला फिथ लेडी पिन से कहती है, मैं खुनक्वा से मिलूंगी। ये कहते हुए वह अपने लिप्स को बाइट करती है, मानो जैसे कॉम्प्लिकेटेड थॉट उसके माइंड में चल रहे हों। एनिला फिथ जानती थी कि लेडी विन के मन में खुनक्वा के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, बट एनिला फिथ ये जानना चाहती थी। एनिला फिथ कहती है, ये क्या है लेडी विन? लेडी विन नीचे देखती रही तो एनिला फिथ ने टॉपिक चेंज करने की कोशिश की। लेडी विन कहती है, मैंने एनिला फिथ के लिए एक फ्रेग्रेंट बुके बनाया है। फाइनली उसके चेहरे पर एक स्माइल दिखाई दी। लेडी विन कहती है, मुझे याद है एनिल को जैस्मिन फ्लावर की स्मेल काफी पसंद थी। बुआ पैलेस का बैकयार्ड इन फूलों से भरा हुआ है, तो मैं और प्रिक वहां जाकर इन्हें ले आए और बुके तैयार किए। ये कहते हुए लेडी विन ने अपना सिर ऊपर किया और सीधे एनिला फिथ की आंखों में देखा। लेडी विन के मुस्कुराते हुए साइली लिप्स ये देखकर एनिला फिथ भी अपनी स्माइल रोक नहीं पाई। एनिला फिथ कहती है, लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और बाहर आने के बाद एनिला फिथ वहाँ तीन बुके देखती है जो सिल्वर ट्रे में एक साथ केयरफुली अरेंज किए गए थे। एनिला फिथ कहती है, क्या इसे वियर करना ठीक है? एनिला फिथ ने स्माइल के साथ बुके को अपने वाइट रेस्ट पर रखा और चंचलता से उसे ऊपर नीचे घुमाया और इससे खेलने लगी। एनिला फिथ को ऐसे देखकर लेडी विन मुस्कुराते हुए कहती है, आप जैसे चाहें वैसे इसका यूज कर सकती हैं। एनिला फिथ कहती है, क्या सच में? लेडी विन के वर्ड्स एनिला फिथ के दिल को छू गए, जिससे वह स्माइल करना बंद नहीं कर पाती। तभी राजकुमारी कहती है, क्यों ना ये फ्लावर लेडी विन के हेयर में सजाए जाएं, जो हर किसी चीज से कहीं ज्यादा सुंदर दिखते हैं। ये कहते हुए एनिला फिथ ने लेडी विन की तरफ देखा और फ्लावर को अपने हाथ से टच किया और लेडी विन के हेयर की तरफ देखा। ये देखकर लेडी विन का फेस रेड हो गया। लेडी विन कहती है, डोंट टीच मी अनिल, ये बुके मैंने और प्रिक ने होल को डेकोरेट करने के लिए बनाए हैं। ये सबसे बुरा लगता है, लेडी विन ने मुंह बनाते हुए कहा। एनिला फिथ भी स्माइल करते हुए कहती है, क्या सच में? एनिला फिथ कहती है, मेरी नजरों में लेडी विन की बॉडी सबसे ज्यादा और सब चीजों से कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल है। उसने अपनी चमकती हुई आंखों से लेडी विन की तरफ देखा। ये कहते हुए एनिला फिथ धीरे से अपने फेस को लेडी विन के फेस के क्लोज ले जाती है, जिससे लेडी विन की हार्ट बीट तेज हो गई। अब एनिला फिथ की नोज लेडी विन के चिक्स को टच करती है। एनिला फिथ कानों के पीछे जाकर उस फ्लावर को लेडी विन के बालों में लगाती है और उसे स्मेल करती है। इस टाइम लेडी विन की हार्ट बीट मानो जैसे
थम सी गई हूँ। एंडलफिथ लेडी उनके हेयर में लगे हुए फ्लावर को स्मेल करती है और धीरे से उसके चीक्स को अपनी नोज से रब करती है। ऐसा लग रहा था मानो वह मोमेंट हमेशा के लिए कायम रहेगा। लेडी पिन ने सब कॉन्शियस होकर एंडलफिथ की डार्क आंखों में देखकर अपनी सांसें रोक ली। फाइनली राजकुमारी ने अपनी स्वीट और सॉफ्ट वॉइस में कहा, दिस फ्लावर इज वेरी फ्रेग्रेंट बट लेडी पिन्स फेस इज स्मेल इवन बेटर। तो दोस्तों ये था द लॉयल पिन का चैप्टर 15। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आई होप आपको ये पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।